वेरी क्विकली याया के सवाल से फिर सारे सवाल आपके जल्दी से जवाब। बच्चों को कैसे खाना खिलाएं? बच्चों को खाना खिलाने के लिए अगर आपने उनको आदत डाल दिया बाजार के खानों की, तो फिर आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अपनी मोहब्बत और शफकत को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा। मतलब शफकत और मोहब्बत दिल में हो लेकिन उसका मुजाहरा नहीं करना, थोड़ा सा सख्त होना है। और बच्चों को ज़बरदस्ती घर का खाना खिलाना मत मंगा कर दें बाजार से खाना। बच्चे कितनी देर भूख बर्दाश्त करेंगे? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फिर वो खाएँगे। आपको इसके लिए थोड़ा सा खुद को बदलना होगा, अपने आप को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं कि फ्रूट खा लिया, फलानी चीज़ खा ली, लेकिन जो एनर्जी जो उनको ताकत मिलती है रोटी से खाने से वो उनको चाहिए, वो फ्रूट या कोई चीज़। नायला जी, फ्रूट अगर खा लें तो चले बड़ी आमीन पढ़ ले बंदा उस पर। वो तो फ्रूट भी नहीं खा रहे, वो तो कुछ और ही खा रहे हैं। अच्छा, वो अभी उन्होंने मिसेस खालिद ने भी यही कहा कि जी मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो अनार के लिए जूस का तरीका। नहीं, मिसेस खालिद से मेरी गुजारिश है कि एक दिन उनको आप अनार छील कर उनके आगे छोटी प्लेट में डाल के रखें, उन्हें कहीं आप फिनिश करें। ऊपर थोड़ा सा अगर वो नहीं वो चटपटा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस पर चाट मसाला डाल लें। और आप यकीन करें बच्चे, अनार से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये कह दिया हमारी नायला ने, तो कह दिया। और अगर आप जूस में देखें क्या होता है, जूस ग्लूकोज होता है ना ज़्यादा, तो बच्चों को जूस देने के बजाय मेरे ख्याल में ओवर टू यू। सिद्रा की कॉल है, आप लीजिए, आप बात कीजिए सिद्रा से। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तो ये कि मुझको भी यकीन ही नहीं आ रहा है कि मेरी आप लोगों से बात हो रही है। अरे वाह। तो जी मुझको बात करनी है हलीमा और हुमायूं दोनों से। जी जी, हम सुन रहे हैं बिल्कुल आपको, कहिए। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मैंने पता है क्या, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे चैनल से भी करती हूँ, देखती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ चैनल, तो मुझको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा चैनल देखूँ। तो एकदम फिर मैं आपका चैनल लगाती हूँ तो फिर उसको बंद करने का मेरा दिल ही नहीं करता क्योंकि इतनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन वाली चीजें होती है कि बस। थैंक यू सो मच सिद्रा। आपको 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 बताऊं, सुने मेरी बात, जितनी आप खुश है ना उतने ही मैं और हलीमा भी अंदर से खुश है, बिल्कुल उतने ही। हाय थैंक यू। नहीं, मैं मुझे इसलिए शौक लगा क्योंकि आप भी कह रही थी कि एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दे और हुमायूं भी कह रहे थे। अच्छा, इसलिए बोले बोले हम सुन रहे हैं आपको, मजा आ रहा आपकी बात। जी जी जी, बस यही मैं बात कर रही थी क्योंकि एक तो ये कि ना आपका चैनल इतना अच्छा है, आपका ये जो शो है वो इतना अच्छा है लाइव शो, और बहुत ज्यादा मुझे अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो अब तो मेरा मुझे उन्होंने बोला कि अपना वॉल्यूम जो है ना, मेरा नहीं टीवी का वॉल्यूम जो है वो जरा कम रखे। आपने कहा मैं अपना बढ़ा देती हूँ, टीवी का कम कर देती हूँ, है ना? एक्साइटमेंट है। जी बिल्कुल। तो बस आप दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको भी, आप दोनों जो है वो हंसते मुस्कुराते रहे और आपका जो शो है वो ऐसे ही चलता। आखिर में हम आपको ये कहेंगे, आखिर में हम आपको ये कहेंगे कि मुझको और हलीमा को आपसे मोहब्बत है, ठीक है? सलामत रहिए।